क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ k इफ़ p ऑफ x इज इक्वल टू दिस एंड q ऑफ x इज इक्वल टू दिस लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिविजिबल बाय x माइनस 3। दो आपको पॉलिनोमियल्स दिए हैं, उसमें से आपने वैल्यू फाइंड करनी है k की, जो कि वेरिएबल यूज़ हो रहा है इसके अंदर। और कंडीशन ये दी है कि अगर इन दोनों पॉलिनोमियल्स को हम x माइनस 3 से डिवाइड करें तो उनका रिमाइंडर क्या आए, सेम आए। तो सबसे पहले तो हम रिमाइंडिंग थ्योरम को यूज़ करते हुए x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, और वो पहले हमने p ऑफ x में पुट करना है और बाद में q ऑफ x में पुट करना है, क्योंकि दोनों सेम लीनियर पॉलिनोमियल के साथ, सेम लीनियर फैक्टर के साथ डिवाइड हो रहे हैं। तो सबसे पहले जो p ऑफ x है वो आपके पास kx क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 है, तो उसकी जगह पे हमने क्या पुट करना है, हर x की जगह पे 3 पुट करना है। वहाँ से आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी 27k प्लस 41। सेम इसी प्रोसीजर पे आप q वाले में पुट करेंगे तो आपके पास 15 प्लस k आ जाएगी। अब जो गिवन कंडीशन थी वो क्या थी कि दोनों का रिमाइंडर सेम होगा, इट्स मीन कि दोनों पॉलिनोमियल्स भी किसी तरीके से एक दूसरे के साथ मिलती जुलती होंगी, तो इसलिए उनका क्या आ रहा है, रिमाइंडर भी सेम आ रहा है। रिमाइंडर सेम आ रहा है तो दोनों को इक्वल कर देंगे, जितनी भी जो भी उनकी इक्वेशन बनी है 27k प्लस 41 इज इक्वल्स टू 15 प्लस k, तो k वाली टर्म्स आपस में सॉल्व हो जाएंगी और कांस्टेंट वैल्यूज आपस में सॉल्व हो जाएंगी। 27k माइनस k इज इक्वल्स टू 15 माइनस 41 दैट इज इक्वल्स टू 26k इज इक्वल्स टू माइनस 26। 26 को आप बोथ साइड्स पर डिवाइड करेंगे तो k आपके पास आ जाएगा माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 6, द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल दिस बाय x प्लस 1 इज 2p, के अगर आप इस पॉलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड करें तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो 2p होगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b, और आपने a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इफ़ दिस एक्सप्रेशन लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ b प्लस 5, सेम एक्सप्रेशन रिमाइंडर लीव करे, रिमाइंडर आया इसका b प्लस 5 ऑन बींग डिवाइडेड बाई x माइनस 2। यहाँ तक क्या बात की कि अगर इस p ऑफ x को आप x प्लस 1 से डिवाइड करें तो आपके पास 2b रिमाइंडर आना चाहिए, और अगर आप इसी एक्सप्रेशन को x माइनस 2 के साथ डिवाइड करें तो b प्लस 5 रिमाइंडर आएगा, और आपने इनमें से a और b की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसी एक्सप्रेशन को लेते हुए हम x प्लस 1 देखेंगे। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1। उन्होंने ये कहा था कि अगर आप इसको, इस p ऑफ x को x प्लस 1 से डिवाइड करें तो आपके पास रिमाइंडर, मतलब हमने पहले पुट कर दिया 0, तो ताकि जब हम माइनस 1 इसकी जगह पे पुट करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी 6 प्लस 8। अब जो रिमाइंडर उन्होंने दिया था वो था 2b, ठीक है, किसका रिमाइंडर था, ये रिमाइंडर हमने p माइनस 1, हमने उसकी रिमाइंडर थ्योरम की डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर तो वो p ऑफ x होता है और जो x माइनस 1 होता है, अगर उसका रिमाइंडर आप लिखे तो वो p ऑफ a आ जाता है। तो p माइनस 1 आगे यहाँ पे रिमाइंडर जो था वो 2b था, यहाँ से a प्लस 6 इक्वल्स टू 2b एक इक्वेशन बन गई। और दूसरी चीज़ उन्होंने कही थी कि अगर यही p ऑफ x डिवाइड किया जाए x माइनस 2 के साथ, तो इसको भी यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम हम सॉल्व करेंगे। तो p ऑफ 2, क्योंकि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है तो वो आपके पास x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो आपने 2 पुट करना है। 2 जब आप पुट करेंगे पॉलिनोमियल में, जो कि क्या था, x क्यूब प्लस a x स्क्वायर प्लस 7, तो वहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी 15 प्लस 4a। अब इससे डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो b प्लस 5 है, b प्लस 5 उसका रिमाइंडर था, तो आपके पास बन जाएगा b प्लस 5 इज इक्वल टू 15 प्लस 4a। a और b एज इट इज़ आपके पास एक साइड पे आ जाएगा, और 5 माइनस 15 जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं वो आपस में सॉल्व हो जाएंगी। यहाँ से आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, जो दो इक्वेशंस हमने ली है वो आपके पास आ जाएगी, a माइनस 2b इज इक्वल टू 6 एंड 4a माइनस b इज इक्वल टू माइनस 10। अब यहाँ से हमें ये नज़र आ रहा है कि ये दोनों सेम हो सकते हैं अगर मैं इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मैं क्या लिखूँगी, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2 एंड सब्ट्रैक्ट बाय इक्वेशन 1 से हमने उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन 2 को 2 से, सो 2 4 ज़र 8 a माइनस 2 b इज इक्वल टू 2 10 ज़र 20 एंड माइनस 20 आ जाएगा आपके पास। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सो a ओवर 8, यहाँ पे जब 8 है इसमें से ये प्लस है ना, और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, साइंस चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपके पास माइनस 7 है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और 14, तो a की वैल्यू यहाँ से आपके पास माइनस 2 आ जाती है। इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, a माइनस 2 इज इक्वल टू 6, तो a की जगह पे क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी माइनस 2, तो मैंने पुट कर दी। देन b की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी वो 8 ओवर माइनस 2, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 0 2 2 4 सर 8 एंड माइनस 4 बी की वैल्यू, सो ए इज इक्वल टू माइनस 2 एंड बी इज इक्वल टू माइनस 4। स्टूडेंट्स, दिस इज योर डायरी कनेक्ट।